الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام پردے کے پیچھے بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں اس دنیا میں آپ کا اور ہمارا آنا ہماری مرضی سے نہیں ہوا ہے اس دنیا میں جب ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوگا جس وقت اللہ نے چاہا ہمیں دنیا میں بھیج دیا
जब वो चाहेंगे हमें इस दुनिया से रवाना कर देंगे। ये एक आसमानी निज़ाम है और उस पर हम सबका यकीन है, लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि अगर कोई आदमी किसी ख़ास मकसद के लिए उसको किसी जगह भेजा गया हो और उसको साथ में ये भी कहा गया है कभी भी हम आपको वापस बुला लेंगे, आपको जो काम लेकर भेजा है वो फौरन निपटाना या उसको अच्छी तरह से निपटाना, कभी भी आपका बुलावा हो सकता है। बड़ा गाफिल और बेवकूफ़ है वो शख्स जिसके ज़िम्मे एक बहुत बड़ा काम सुपुर्द भी किया गया और वापसी की कोई मुतय्यना तारीख भी नहीं दी गई, बस कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, आपको जो काम सुपुर्द किया है वो पूरा करके आना है। अक्लमंद आदमी हमेशा अपने टारगेट पे नज़र रखता है, जिस मकसद के लिए उसको भेजा है, जो काम सुपुर्द किया गया है उसको अच्छी तरीके से पूरा करने की वो कोशिशें करता रहता है। ठीक इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस कायनात में एक ख़ास मकसद के मातहत भेजा है। कुरान करीम कहता है वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए भेजा है। और जब हम दुनिया में आए तो उसकी तारीख तो तय हो गई, आने से पहले तय नहीं थी, आ गए तो तय हो गई। जैसे जिसको बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, जिस दिन हम पैदा हुए उसका बाकायदा सर्टिफिकेट बनाया जाता है। लेकिन ज़िंदगी के 80-90 साल गुज़र जाते हैं तब भी पता नहीं चल सकता जाने की तारीख कब है। जो काम मुझको सुपुर्द किया गया था मैंने उसको पूरा किया है भी कि नहीं, और सब के सब गफलत में पड़े हैं, जाना अचानक है। लेकिन किसी को इसका कोई शूर न इसका एहसास न उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा। और जब किसी इंसान को जिस मकसद के लिए भेजा गया है उसको साथ में ये भी बता दिया गया था कि अगर तूने काम बहुत से खूबी अंजाम दिया है तो इतने इतने इनामात का तो मुस्तहिक हो सकता है या होगा या तुझको दिया जाएगा, इन साथ में ये भी सुन ले कि अगर तूने इस काम को जो तुझको सुपुर्द किया गया है अगर वक्त से पहले और अच्छे अंदाज से उसको पूरा न किया तो सख्त से सख्त सज़ा का मुस्तहिक होगा। तो वो आदमी अपने आका की बात पर तवज्जो रखता है, उसको जहन में रखता है और अपने मिशन पर चलता रहता है। अल्लाह ने मुझे और आपको इस दुनिया में एक अजीम मकसद के लिए भेजा है, करना कुछ नहीं है, उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी और लंबी लंबी हैं, नाफरमानी पर नाफरमानी किए जा रहे हैं,
इस्लामी अकाइद में से एक अकीदा ये भी है कि वलबासे बादल मौत, मौत के बाद दोबारा उठाया जाए, और ये हमारा अकीदा है। अगर किसी ने इसमें शक को शुबा किया तो वो यकीनन काफिर हो जाएगा। एक मुनाफिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सूखी हड्डी को पीस कर पाउडर बनाकर लेकर आया और उसको अपनी हथेली पर रखा और फूंक के ज़रिए से उस पाउडर को उड़ा दिया और फिर सरकार को कहता है कि मन युहिल इज़ाम वही रमीम, कौन इस मुर्दा हड्डी को ज़िंदा कर सकता है। फौरन जिब्रील आए और सरकार को कहा, फरमा दीजिए कुल युहिय अल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, वही अल्लाह इसको दोबारा पैदा करेंगे जिसने किसी बिला नमूने के पहली मर्तबा पैदा किया था, दोबारा भी वही पैदा फरमाएंगे। तो मरने के बाद उठना है, और हमको ये जो मोहलत दी गई दुनियावी ज़िंदगी की और जो काम सुपुर्द किया गया था उसको तुमने किया कि नहीं, इसकी जज़ा व सज़ा होगी। अगर करके गए हैं तो जज़ा होगी, बदला दिया जाएगा, और अगर काम को बहुसन खूबी अंजाम नहीं दिया है तो सज़ा दी जाएगी। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हम सबको उस बात की तौफीक को हिम्मत और सलाहियत अता फरमाए कि जो काम हमको सुपुर्द किया गया है उसको हम अच्छी तरीके से कर गुज़रें, तो यह हमारी बहुत बड़ी सआदत होगी। लेकिन इसके लिए बात बहुत ज़रूरी है कि आदमी हर वक्त इसका इस्तेहज़ार रखे कि मरना है, मरकर कब्र में जाना है, और ये ख़तरनाक दुश्वारियाँ और ये ख़तरनाक घाटियों से गुज़रना है। आज सबसे बड़ी कोताही ये है कि हम अपनी मौत से गाफिल हो गए। हर एक अपनी मस्ती में मस्त है, अय्याशियों में मुब्तला हो गए, इस्लामी नहज और तरीक़े को छोड़कर गैरों के रसूमात अपना दिए, मनमानी और नफसानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दर्जे इंसानियत से निकलकर हैवानियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक लम्हे के लिए किसी को ख़याल नहीं आता कि मौत आएगी। और एक बात याद रहे, फ़ैदा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत आएगी तो आप एक कदम न पीछे हट, वो मौत न एक कदम पीछे हटेगी न एक कदम आगे, न आप भी आगे पीछे होंगे, बस वो लाहिक होकर रहेगी। अक्लमंद शख्स वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। हम में से किसी को फिक्र नहीं, न किसी को इसकी पड़ी है। बाज़ों को तो कई कई दिन तक ख्याल तक नहीं आता कि मरना है, और मरना बरहक लाजिम रहे हर बशर को ख्याल कज़ा, कज़ा यानी मौत, लाजिम रहे हर बशर को ख्याल कज़ा, हम क्या रहेंगे जबकि न रहा रसूल खुदा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में नहीं रहे
तो हम और तुम कौन होते हैं जिनको हमेशा के लिए यहाँ बका हो। या तो कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना होगी। और वो मौत का झटका जब आता है, पूरी जिंदगी की शोर को खामोश कर देता। शायर ने बहुत अच्छी बात कही कि आकर कजा बाहोश को बेहोश कर गई और हंगामे हयात को खामोश कर गई। हाँ, मौत यकीनी चीज है, मौत आएगी। अब मौत कैसी आएगी? दुनिया में अच्छे लोगों पर अच्छी मौतें वाकई होती हैं और बुरे लोगों पर बुरी मौतें वाकई होती हैं, जिसके तफसील से अहादीस में कई वाकयात बयान किए गए, बुजुर्गों के अकवाल से किताबें भरी पड़ी हैं, और हम में से बहुत सारों ने कई लोगों की मौतें भी देखी होगी। अच्छों की मौतें अच्छी होती हैं, बड़ों की मौतें बुरी होती हैं, और ये कायदे की बात है, कमा तहयून तमूतून व कमा तमूतून तुहशरून। जैसी ज़िंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी, और जैसी मौत आएगी वैसे उठाए जाओगे। हाँ, ये बात ध्यान में रहे, मरना है, मरकर कब्रिस्तान में जाना है, वहाँ सवालात होंगे। हजरत शेख ने लिखा है कि मरने के बाद मलिकुल मौत अपने साथ कई फरिश्तों को लेकर आते हैं, और जिस घर में मौत वाक़ होती है वहाँ लोग बहुत नोहा करते हैं, चीखो पुकार करते हैं, और न मालूम किन किन अल्फाज में लोग क्या क्या बोलते हैं, और वो सब आपके ही फंदे फंदे हैं। जीवता जीवतो कोई कदर न कर तू। मरने के बाद रस्मन लोग बहुत शोर मचाते हैं, आंसू बहाते हैं। हजरत शेख ने तो लिखा है कि दुनिया इतनी कमीनी है कि अगर रोने पर पैसे लिए जाएंगे तो ये अपने माँ बाप पर भी रोना बंद कर देंगे। तो जिस घर में मैयत होता है वहाँ लोग नोहा करते हैं। इज़राइल उसी घर के कोने में खड़ा होकर कहता है, और रोने वालों, मरने वाला तो मर गया, तुम अपनी तैयारी करो, मैं फिर लौट कर इस घर में दोबारा आऊँगा और बार बार आऊँगा। कब्र के मसले को मामूली न समझो। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब कब्र के तस्करे आते थे तो हजरत उस्मान बहुत रोया करते थे, हत्ता के हजरत की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। हजरत उस्मान को पूछा गया कि आपके सामने जन्नत और जहन्नम के तस्करे होते हैं, आप इतना नहीं रोते जितना कब्र के तस्करों पर रोते हैं। फरमाया, आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, जो यहाँ से आसानी से पार हो गया उसकी बकिया मंजिलें आसान होगी, जो यहाँ फंस गया सो फंस गया। क्या समझ रखा है कब्र को? हाँ, सरकार बहुत पना मांगते थे अजाब कब्र से, और अजाबुल कब्र हक्कुन, कब्र का अजाब हक है। मौलवी क्लास के पांचवें साल में किताब पढ़ाई जाती है, शरह अकाइद नाम एक किताब है, जिसमें साहिब किताब ने इस बाप को कायम किया है, अजाबुल कब्र हक्कुन,
कबर का अजाब हक है। इतनी तफसील है कि मुदर्रिसीन कई कई दिन इस पर बहस करते हैं, फिर भी आखिर में कहते हैं मुख्तसरन बात आर्ज़े हैं, कई दिन तस्करे चलते हैं इतने जुमले पर, और फिर आखिर में कहते हैं कि मुख्तसर करते हैं, मालूम होता है कि इससे भी ज़्यादा उसमें तशरीहात हैं। कब्र को मामूली न समझें। हाँ, यकीनन वो बागों के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग होगा और बाज़ों के लिए वो जहन्नम के गणों में से गड़ा होगा। इस बात को यहाँ छोड़ता हूँ, फिर पीछे इसको जिक्र करूँगा। कब्र को मामूली न समझे। हजरत शेख ने लिखा है कि जी वो मलिकुल मौत आते हैं, कई फरिश्ते साथ होते हैं, नकीरेन भी होते हैं कब्र में लिटाने के बाद। उनके साथ जो दिगर फरिश्ते होते हैं, अच्छा आदमी होता है तो उसके एक जानिब उसकी नमाज आकर खड़ी होती है, अगर कहीं से कोई फरिश्ता आता है तो कहता है परे हट हट, में यहाँ उसकी नमाज खड़ी हूँ। बाएं जानिब रोज़े हैं, सर पर दूसरे आमाल हैं, पैरों के वहाँ, इस तरह उसके आमाले सालेहा उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते हैं। तो फिर इसको यूं ही छोड़ दिया जाता है कि वह अच्छा आदमी है, उसको कह दिया जाता है सो जाओ, इत्मीनान से सो जाओ, तुमको तुम्हारे रब के अलावा कोई बेदार नहीं करेगा। अच्छे लोगों की मौत इतनी आसान और अच्छी होती है कि मुद्दतों सोने के बाद जब इनको उठाया जाएगा तो वो पूछेंगे किसने जगा दिया हमको, अभी सोए थे बस आंख लगी थी कि जो बेदार कर दिया गया। तुम्हारी मौत का मदार तुम्हारे आमाल पर है। अच्छे लोगों की मौतें अच्छी होती हैं और मरना सबको है। अंबिया अलैहिस्सलाम भी गए हैं इस दुनिया से तो हम भी जाएंगे। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह, इनके पास इज़राइल पहुंचे, और कहा कि अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज करने के लिए भेजा। मरना तो किसी को अच्छा नहीं लगता ना, चाहे कोई भी हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मलिकुल मौत को कह रहे हैं यार ये अजीब बात है, अल्लाह ताला मुझको कह रहा है कि इब्राहिम तू मेरा खलील है, यानी तू मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है। एक जानिब मुझको दोस्त कह रहे हैं, दूसरी जानिब मेरी जान ले रहे हैं, यार ये कैसी यारी। तो मलिकुल मौत भी कंफ्यूज हुए कि बात तो खाची। वो अल्लाह के पास गए, अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि इब्राहिम तो कह रहे हैं हल राईत खलीलन यकबिज़ रूहा खलीली, क्या तूने आज तक ऐसा दोस्त देखा जो अपने दोस्त की जान लेता हो। अल्लाह ताला भी मुस्कुराए और फरमाया कि इज़राइल हल राईत खलीलन यकरहु लिका खलीली, क्या तूने भी आज तक ऐसा कोई दोस्त देखा जो अपने दोस्त की मुलाकात से भागता हो। इब्राहिम को कह दो दरअसल आपकी मुलाकात मकसूद है, मौत तो एक बहाना है, अलबत्ता हमारी मुलाकात के लिए मरना ज़रूरी है। फ़मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा, अमल सालिहा करेंगे मुलाकात खुदाबंदी होगी।
बहरहाल तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी जाना पड़ा, अंबिया को भी मफर नहीं, अइनल मफर, कहाँ भागोगे, अंबिया को भी मफर नहीं। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के पास एक मर्तबा इज़राइल पहुँचा, अजनबी चेहरा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कौन, कह मैं इज़राइल हूँ। क्या क्या माशिना अटकड़िया समझता ना, हाँ कहाँ जाते हो, क्या आप घबराए नहीं, मैं तो बस यूं ही आया हूँ, मुलाकात के लिए आया। बातचीत हुई, इज़राइल ने कहा चुके आप पर गमों का पहाड़ है, आओ बैठते हैं, तसल्ली के कलिमात करते हैं, कहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा यार इतनी हमदर्दी है, एक एहसान कर देना कि जब आप मेरी रूह कब्ज करने आए तो ज़रा मुझको इत्तला कर देना। क्या ठीक है, मैं अपने 3 कासिद भेजूँगा, इसके बाद मैं आऊँगा। क्या रे, तो बहुत अच्छी बात है, आप जब आगे से इन्फॉर्मेशन और मुझको इत्तला करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक मुद्दत के बाद इज़राइल अचानक फिर पहुँच गए, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कैसे आना हुआ, क्या अब की बार हमारी सरकार, अब तो लेने आए, क्या तूने कहा था 3-3 कासिद भेजेंगे, कहाँ वो सब अभी मौजूद हैं आपके पास, क्या क्या बात करते हैं, कहाँ सर में सफेदी का जाहिर होना, ये मेरा पहला कासिद है, बालों का सफेद होना ये मेरा पहला कासिद है, दांतों का गिरना ये मेरा दूसरा कासिद है, और आज़ाए बदनियाँ का थक जाना ये मेरा तीसरा कासिद है, और वो तीनों मौजूद हैं, बस अब आपकी बारी है। फिर इस तरह याकूब अलैहिस्सलाम भी दुनिया से रुखसत हो गए, अंबिया को भी मफर नहीं। हाँ ये बात तय है, जैसी ज़िंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी, और जैसी मौत आएगी वैसे उठाए जाओगे। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत बाहया पैगंबर थे, वो जब कभी अपने घर से बाहर जाते दरवाज़े को अच्छी तरह से बंद करके जाते थे। एक दिन कहीं काम से गए थे, घर को ताला लगा कर बंद करके गए थे, जब वापसी में देख रहे हैं कि घर का दरवाज़ा खुला है और अंदर एक अजनबी शख्स खड़ा है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अब कौन, अजनबी चेहरा है, मकान मेरा है, और आपको आदाब मालूम नहीं, किसी के मकान में इजाज़त के बगैर जाया नहीं करते, शरीयत मुतहरा ने इतनी तालीम दी है कि तुम्हारी औलाद को भी ये कहा गया कि 3 वक्त में बग़ैर दरवाज़े खिटखिटाए घर में न जाओ। मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 اوقات بتائے ہیں، ان اوقات میں تمہاری اولاد بھی تمہارے گھر کے دروازے کھٹکھٹائے بغیر اندر نہیں آ سکتی۔ بہت سارے اصول ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، یہ تو پنڑا پڑی جا رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے ہیں یہ اصول و آداب، सुना भी नहीं और आज तक माना भी नहीं, अल्लाह हमको तौफीक दे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मकान मेरा है, मैं तो अच्छी तरह से बंद करके गया था, आप कौन और आप हैं कौन जो बग़ैर इजाज़त के मेरे घर में आ गए। उसने भी फरमाया कि मैं वो शख्स हूँ कि मुझे शाहों के दरबार में भी जाना हो तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स बैठा हुआ था कि एक अजनबी चेहरा उसको बार बार घूर कर देख रहा है,
तो उस शख्स ने हज़रत सुलेमान को शिकायत की कि यार ये कौन है मेरे सामने देख रहा है, डर लगता है, आप हवाओं को हुक्म दे दो मुझको फला टापू पर पहुंचा दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया, उसको फला टापू पर पहुंचा दिया। अब वो अजनबी शख्स जो था उसको सुलेमान ने कहा आप कौन, मुस्कुराकर कहा आपने बता स्टापनच है, मैं इसराइल हूँ, दरअसल मैं कंफ्यूज था, इसकी रूह फला जगह से मुझको कब्ज करने को कही थी और ये आपकी मजलिस में बैठा हुआ था, अच्छा हुआ आपने हवाओं के ज़रिए से उसको वहाँ पहुँचा दिया, अब मैं वहाँ जाकर अपना काम कर लेता हूँ। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं वो शख्स हूँ, मुझे शाहों के दरबार में भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। क्या अच्छा अच्छा आप इसराइल हैं क्या, जी 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 हजरत, कैसे आना हुआ है, क्या बस अल्लाह ताला आपकी मुलाकात करना चाहते हैं, हुक्म हुआ है कि दाऊद को लेकर आओ, रूह कब्ज करने आया हूँ। क्या ठीक है, तैयार है, क्या हम में से कोई मुसलमान इतना तैयार हो सकता है अगर हमारे पास आकर ये कहा जाए तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूँ, क्या हम में से किसी मुसलमान के पास ऐसा अमल है कि हम उस बुनियाद पर कह सके कहाँ हम रेडी हैं, हम पर अल्लाह के हुकूक इतने बाकी हैं, हम पर अल्लाह के बंदों के हुकूक इतने बाकी हैं, न हम अल्लाह के अहकाम की अदायगी करते हैं, हुकूक की अदायगी करते हैं, न बंदों के हुकूक की अदायगी करते हैं। ज़माना इतना रफ हो गया कि पहले लोग कहते थे भाईनी टोपी भाईना माथे, भाई उगाड़ा माथे, अक्खो कंडो चढ़ाइन भी कोई वोम न दो तो टोपली नहीं, अक्को कंडो चढ़ाइन भी कोई वोम न दो तो, समझते हैं ना, इतने बेहिस और बेअहसास लोग हो गए, ये गफलत की बहुत बड़ी निशानी है। तो इज़राइल ने कहा मुझको कहा गया है कि दाऊद को पूछ लेना मेरा दाऊद किस हाल में आना चाहता है। कहा गया कि मैं बावजू हूँ, नमाज शुरू करता हूँ, जब सजदे में जाऊँ तो रूह कब्ज़ कर लेना। चुनाचे दाऊद अलैहिस्सलाम ने नमाज शुरू की, सजदे में पहुँचे और इनकी रूह कब्ज़ कर ली गई। मरना सबको है पर कामयाब शख्स वो है कि जिसकी मौत अच्छी हो, और अच्छी मौतों की मदार आमाले सालेहा पर है, वरना मौतें बुरी भी आती हैं दुनिया में, और दुनिया ने वो भी देखा। एक मर्तबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत को कहा कि आप जब रूह कब्ज करने जाते हैं तो आप किस हैसियत से होते हैं, अच्छे लोगों की रूह जब कब्ज करते हैं। तो इज़राइल ने अपनी शक्ल व सूरत बतलाई, साथ में सैकड़ों की तादाद में फरिश्ते, हर एक के हाथ में गुलदस्ता, हर गुलदस्ते में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल, मुख्तलिफ़ खुशबू के फूल रहते हैं। इस तरह एक मर्द साले और एक मोमिना और मोमिन शख्स जो साले हों उसकी रूह इस तरह कब्ज़ कर लेते हैं जैसे गूंधे हुए आटे में से बाल का खींचना। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा आप एक फासिक फाजिर अल्लाह का नाफरमान बंदा हो, मुसलमान हो, आप इसकी रूह किस तरह कब्ज करते हैं। तो कहा गया ये मत देखो, कहने मुझको बताओ उस वक्त आपकी शक्ल व सूरत क्या होती। कहा गया कि आप ज़रा चेहरा घुमा लो, इसके बाद कहा आप देखो मुझको, तो इज़राइल की शक्ल ऐसी और इतनी डरावनी शक्ल बन गई कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको देखकर बेहोश होकर गिर गए। कुछ देर के बाद जब बेहोशी ज्यादती रही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम अगर किसी नाफरमान फासिक व फाजिर शख्स को जो अल्लाह की खुल्लम खुल्ली नाफरमानी करते हैं
मरने के बाद अगर उसको जहन्नम में न डाला जाए, सिर्फ इज़राइल के सामने खड़ा कर दिया जाए, तो अजाब के लिए इतनी बात भी काफ़ी है। कितनी डरावनी शक्ल होगी। तो अच्छी मौत का मरना ये सआदतमंदी की अलामत है, और अच्छी मौतें उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक कि हम ज़िंदगी अच्छी तरीके से नहीं गुजारते। मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे दो उस्तादों को मरते देखा। अल्लाह ताला हज़रतुल असातिज़ा को ग़रीक़ रहमत फ़रमाएँ, अल्लाह ताला इनके उलूम का वारिस बनाएँ। जो बक़ैद हयात हैं, अल्लाह ताला सेहत और सलामती के साथ इनके साए आतिफत को, बिलखुसूस हम तलबा पर और उमूमन पूरे उम्मत पर इनके साए को तादर कायम और दाइम रखें। मेरे एक उस्ताद को मैंने मरते देखा, सब लोग रो रहे और हज़रतुल उस्ताद अपने जनाजे में ऐसा महसूस होता था कि हज़रत मुस्कुरा रहे। पूरी ज़िंदगी अहादीस को पढ़ाते पढ़ाते गुज़र गई। जब इनको उनके जनाजे में हमने देखा था, जी चाहता था कि हज़रत के पेशानी पर जाकर बोसा ले लें। कितनी नेकबख्त ज़िंदगी गुजारी और कितनी अच्छी मौत पाई। मैं एक दूसरे उस्ताद मोहतमी में जामिया हज़रत मौलाना याकूब अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, इंतकाल से एक दिन पहले हज़रत की ज़बान बंद हो गई थी और हज़रत आसमान को देखते रहते और मुस्कुराते रहते थे। फिर दूसरे दिन हज़रत का इंतकाल हो गया। बाद वफात किसी तालिबे इल्म ने ख्वाब में देखा, हज़रत मौलाना की मुलाकात हुई और उनको पूछा कि आप इंतकाल से एक दिन पहले खामोश हो गए थे हज़रत, क्या बातें और आप आसमान को देख रहे थे। हज़रत ने फरमाया कि आसमान पर दरवाज़े नज़र आ रहे थे और हर दरवाज़े पर सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम की आयत लिखी हुई नज़र आती थी। अच्छे लोगों पर अच्छी मौतें वाक़ होती हैं और बुरे लोगों पर तड़प तड़प कर मरते भी दुनिया ने देखा। अल्लाह ताला बुरी मौतों से हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन इसका मदार, ये जो लम्हात हमें दिए गए हैं अल्लाह की तरफ से, ये जो मौका इनायत किया गया है, तारीख मुतय्यन नहीं, कभी भी बुलावा आ सकता है। तो ये जो लम्हात हैं इसको गफलत में न गुजारें। लेकिन आज का मुसलमान इतना गाफिल हो गया, एक लम्हे के लिए उसको अपने रब की ना अजमत की पड़ी है, न उसके अहकाम की पड़ी है, न सुन्नत रसूल की पड़ी है, नफसानी और मनमानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कुछ ना शरीयत को फॉलो करते हैं, बस जो जी में आया जो समझ में आया कर गुज़रते हैं। तो फिर कैसी मौतें वाक़ होगी। और मरना ये एक अमरे यकीनी है, डूब जाओ कूद जाओ जल जाओ, मरना यकीनी है, मौत आकर रहेगी। लेकिन अच्छी मौत मरना ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। इसके लिए हमें जो ये वक्त मिला गया है, ये जो लम्हात दिए गए हैं, इसको गनीमत समझें। जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले गनीमत समझो। इग्तनिम खम्सन कबल खम्सिन हयातक कबल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले। मरने वालों को जाकर पूछो, जी चाहता है इनको इनका कि हम बहुत इबादत करें, लेकिन वो बेबस हो गए, अब वो कुछ नहीं कर सकते। जब ज़िंदगी मिली थी तो मनमानी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, नफसानी ज़िंदगी गुजार रहे थे, शैतानी धोखों में रहे, दुनिया की रंगरेलियों में पड़े रहे,
और ना अपने रब की कुछ सुनी, ना अपने रसूल की तालीमात को अपनाया, और फिर ज़िंदगी भर यह तमन्नाएं करते रहेंगे सिवाय हसरत और नदामत के कुछ साथ और काम ना आएगा। इसलिए ये मौका है, इसकी कदर करनी चाहिए। आज हम लोग अपनी मौत से इतने गाफिल और इतने बेखबर हैं कि हम जी इस तरह रहे हैं कि कभी मरना ही नहीं है। ऐसी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं कि कभी हमें मौत ही नहीं आएगी, और मर जाएंगे ऐसे कि कभी जिए ही न थे। ये मौका है, इसकी कदर करनी चाहिए। हमारा माशरा कहाँ चला गया, किन किन खुराफात और रसूमात में मुब्तला हो गए। आजकल उलमा की तरफ से जो एक मुहिम चलाई जा रही है, और वो सब हम देख भी रहे हैं, शादियों की जो हालात हमने बना रखे हैं। अरे शादी एक इबादत है, और ये अंबिया की बहुत बड़ी सुन्नत है। अरबाउम मिन सुननिल मुरसलीन, चार चीज़ें तमाम नबियों की सुन्नत रही, इसमें निकाह, निकाह भी ये तमाम अंबिया की सुन्नत है। हमने तमाम नबियों की सुन्नत का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया, शादी को क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। शादी फंक्शन नहीं है, शादी एक इबादत है, और इबादत को इबादत ही के तरीके से किया जाता है। अगर कोई कहे भाई झोनी चार रखा तो क्या मुँह तो कालती छोत पड़े, तो एक काबानी चार दीवारी में भी छो रखा तो पड़े थे नमाज नहीं बकाए। भाई ये कानून और एक दस्तूर है कि जोहर की चार रकात फर्ज हैं, ना आप इसमें बढ़ा सकते हैं ना आप इसमें घटा सकते हैं, यही इसके अदा करने का तरीका है, तब ही वो कबूल होगी। इसी तरह हर इबादतें अपने अपनी जगह, जिसका जो तरीका है उसको उसी तरह अदा किया जाए। हमने क्या क्या कर दिया हमारी शादियों में, कितने रिवाजात और कितने रसूमात जिनका सुन्नत और शरीयत से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, बस ये चंद रस्में, चंद रसूमात और खुराफात, कुछ बेबाक और बेहया बेशरम लोगों ने घड़ लिए, रिवाज लगा दिया, माशरे को दाव पर लगा दिया। हराम के पैसों से अय्याशियां करके गरीबों की बच्चियों को दाव पर न लगाएं, वरना अल्लाह के वहां जवाब देना भारी होगा। मुसलमानों, शादियां तो सुकून की चीज हैं। वमिन आयाति ही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन वरहमा। ये तो सुकून की चीज थी, सबसे ज्यादा परेशानी का सबब तुमने शादी को बना दिया। महीनों पहले इंतजाम किया जाता है, और जितने महीने पहले इंतज़ाम किया जाता है इल्ला महीनत संसार भी न चलता हो। मतलब ताज्जुब की बात है, चार महीनों की तैयारी चालस है, चार महीनत संसार भी न चलता। ये पिछले तीन दिन की बात करता हूँ, इतने में तो तीन ऐसे मेरे पास लोग पहुँचे हैं कि जगरम जवान उसे अजी तो डेढ़ महीनों दियो से शादी, अजी तो महीनों दियो से, अजी तो पंद्रह दाना थे न जवान उसे। 50,000 वाला बच्ची को सूट सिला देना, दुल्हनी कुछ फर्नीचर बना देना, और कुछ रकम हाथ में दे देना, ले बेटा गड़ानो भाड़, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हार, हाँ मुझको बोलते नहीं आता, उसको हार कहते हैं, दरअसल वो गले का भार होता है। खोनू एनू से जकात भरा पक कड़ा बस। खैर तो कुछ रकम दे देना, ये औलाद से मोहब्बत नहीं है क्या? आज तक तूने अपनी बेटी को सिखाया कि बेटा अपने शौहर के साथ किस तरह रहना चाहिए, अपने सास के साथ किस तरह रहना चाहिए, अपने ससुर के साथ किस तरह रहना चाहिए? कुछ नहीं सिखाते। बस ये सारे जो फसादात हो रहे हैं ना मुआशरे में, और जितने मियां बीवी में झगड़े हो रहे हैं, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि
के जानिबैन से हुकूक अदा नहीं किए जा रहे, न शोहर अपने बीवी के हुकूक जानता ही नहीं, उसको किसी ने बताया नहीं, ना उसको तौफीक हुई। तुम्हारे शहर में इतने उलमा हैं, याद रखो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि तुम्हारे शहर में कई सैकड़ों की तादाद में उलमा है, 700 से ज़ायद उलमा हैं, कितने मुफ्तियान किराम हैं, उफ़ाज़ों की गिनती नहीं। इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, किसी एक को भी तौफीक नहीं होती कि जाकर इनसे ये भी पूछा जाए। पच्चा अजान नहीं मूडी ले तो न खो जनून पूछवा दे शू धंधो करूँ, केम के भाई पच्चा अजान ना जता रहे, पादा खत्ता भी ना खोर करी गर्मो ना पे हो। 50,000 का सरमाया लेकर 100 आदमियों को मिलने जाता है और तेरी इस निकाह पर तेरे सरकार ने फरमाया आधे ईमान तो मुकम्मल हो गया, बाकी आधे की तू देख लेना उसको, तो वो आधे ईमान को किस तरह मैं पूरा करूं, उसके क्या हुकूक हैं, कोई एक भी पूछवा ना था तो। और हम बतला रहे हैं पढ़ पढ़ कर तो कोई सुनने को भी तैयार नहीं। इतनी बेदीनी तो अच्छी बात नहीं, और शायद इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि लोग इतने बेबाक होंगे। ऐसा ना करें। तो हुकूक भी सीखें जानिबैन से, अपनी बच्ची को भी सिखाएं कि बेटा किस तरह रहना चाहिए वहां जाकर। हाँ, आने वाली बहू को जब तक बहू समझोगे फसादात होते रहेंगे, और जब लाते हैं उस वक्त तो लोग बहुत शोर मचाते हैं, गुड्डी गुड्डी गुड्डी, और बिचारी से जरा कुछ आगे पीछे हो गया तो अंदर थी नून गुन्नो लगा देश है, आओ से नून गुन्नो लगा तो वो गुड्डी से गुंडी कब बन जाते हैं पता नहीं चलता। इतने रसूमात दाखिल कर दे शादियों में, ना अपने लड़कों की तरबियत की जाती है कि बेटा उसको किस तरह रखने का, न लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि वहां जाकर किस तरह रहने का। हर पची निकली पड़ से गिल्ले शिकवे ये वो आना लियो पेलू ना करवा दी तू ओम ना थू ते ना थू मर छोकरी का ताओ सलूक करो सिखाया जाता है। और अच्छे माँ बाप अपने औलाद को ये अगर दे दें, अगर तुमने अपनी औलाद को अखलाक सिखाया है, दीन सिखाए हैं और दुनियावी एतबार से कुछ नहीं छोड़ा है, तो खुदा की कसम तुमने अपने औलाद को मालदार छोड़ा। और अगर तुमने एक एक के हिस्से में अल्लाह एकड़ अल्लाह ट्रैक्टर अल्लाह गुंठा अल्लाह बीघा अल्लाह तोला इतने करोड़ इतने लाख दिए, लीन नहीं दिया अखलाक नहीं दिया, तो खुदा की कसम तुमने अपने औलाद को फकीर छोड़ा है। बच्चों की दीनी तरबियत की जाए, और ये जितने बच्चे तुम्हारे शामियानों के अंदर तुम्हारा नाचना कूदना देखते हैं ना, अन्नास वाला दीन आबाईहिम, लोग तुम्हारे नक्श कदम पर, तुम्हारी औलाद तुम्हारे नक्श कदम पर चलती है। जैसा उन जैसी तुमने उनकी जहनी तामीर और तरबियत की, बड़े होकर वही कारनामे अंजाम देंगे, और वो भी कहेंगे कि इन्ना वजदना आबाना, हमने हमारे बाप दादा को और माँ बहनों को इस पर पाया था। आजा बला पकड़ ले गला, ऐसी हरकतें न करें। कितने रसूमात दाखिल कर दी शादियों में, शादी के अगले दिन मेहंदी लगाना, फकीरों की तरह पैसे मांगना, और चलो वो बात ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कितनी बेशर्मी और बेहयाई होती है। कधी न लोगों टेखला से अजीब लोग हैं, और मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि औरत इतनी बेशर्म और बेगैरत कैसे हो गई कि अजनबी नजरें तुम्हें देख रही हैं और तुम्हें अच्छा लगता है। अच्छी बात नहीं है। फारूक आजम के जमाने में एक लड़की को सिर्फ एक अजनबी लड़के ने देखा था, तो लड़की सदमे में चली गई थी कि क्यों इस गैर महरम मर्द ने मुझको देखा। हाँ, तो बुरखो वो पेरी निकरत के बुरखान जुबान बोने कोकता दोष है,
कुछ औरतें इतनी बेशर्म होती हैं कि इन्हें सिर्फ कफन ही पर्दा करवा सकता है, और कुछ मर्द इतने बेनमाजी होते हैं कि इन्हें जनाजे के वक्त ही नमाज के वक्त ही मस्जिद में लाया जाता है। ऐसे मुसलमान न बनो और शादियों से इन सारी चीज़ों को ख़त्म करो। शादियों के दिन जो शामियाने रोड पे बांधे जाते हैं, जहेज लिया जाता है, गरबे गाए जाते हैं, इजड़ों और बढ़ों की तरह नाचना कूदना, मर्दों और औरतों का मिलजुल कर, अरे क्या क्या नहीं होगा। शैतान तो ये दावा करता है कि अगर राबिया बसरिया और हसन बसरी एक कमरे में जमा हो जाएं तो मैं इन दो को मिलाने की ताकत रखता हूँ। दोनों अपने ज़माने की वक्त की सबसे बड़ी बुज़ुर्ग हैं। दोनों, हसन बसरी भी अपने ज़माने का सबसे बड़ा बुज़ुर्ग हैं, राबिया भी अपने ज़माने की सबसे बड़ी वलिया हैं। शैतान उन दो के बारे में कह रहा है कि मैं इनको भी मिला सकता हूँ, तो फिर हम और तुम कौन होते हो? तुम्हें इतना इत्मीनान कैसे होता है? गम्मत अनखत गाड़ी पर बेशिन जतुरानु माचेनो भाई ताई, अरे भाई नो भाई से काका नो मोमानो फोनो चल बाजार थी आए, अरे हद तो यहां तक हो चुकी महल्ले के लड़के के साथ भी चले जाते हैं। एक एक गाड़ी पर दो दो गैर महरम औरतें चिपक चिपक कर बैठना, तुम्हें इत्मीनान है? एहतियात का आलम तो ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर को फरमाया था, आयशा जब अकेली घर में हो तो तुम उस कमरे में न रहा करो। क्या मतलब निकालोगे इसका? इधर उधर का ख्याल न लाए। ये बताया जा रहा है कि उम्मत को कितने एहतियात की जरूरत है, हम नहीं बता सकते, वरना हमारे सामने ऐसे हजारों वाकयात हैं। बाप ने अपनी बेटी की इज्जत की परवाह न की, दामाद और सास के बीच में तमीज न रही, हत्ता के बेटे और माँ के दरमियान कोई तमीज न रही। तुम्हारे शहर में ये भी वाकये पेश आए, यूं ही नहीं बोला करते, वाकयात है हमारे सामने, एहतियात करने की जरूरत है। और जब तक इस तरह बेबाकी और बदअखलाकी की जिंदगी गुजारते रहेंगे, अंजाम बुरा होगा, मौतें बुरी आएगी। الموت كأس كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخله, मौत एक प्याला है जिसमें से हर एक को पीना है, और कब्र एक दरवाज़ा है जिसके जिसमें से हर एक को दाखिल होना है। हम सबको जाना है। मौत अच्छी आए या बुरी आए, इसका मदार हमारे आमाल पर है। अब आपके हाथ में है, आप कैसा मरना चाहोगी? मोबाइल की दुनिया में इतनी गुम हो गई हमारी नौजवान लड़कियां। अल्लाह ने इतनी बेहतरीन तख्लीक बनाई, इतने खूबसूरत चेहरे बनाए, मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करके उससे दूसरों की शक्लें बिगाड़ती हैं, मस्ख करती हैं, कभी कुत्ते का चेहरा लगा देते हैं, बंदरों को बंदरी जैसी सूझती हैं, बंदर का चेहरा फिट करते हैं, और न मालूम क्या क्या कर देते हैं। अच्छी बात नहीं, अल्लाह की तख्लीक में रद्द बदल ना करें। अगर अल्लाह का गुस्सा भड़क उठा ना, तो हकीकत में ऐसे चेहरे बना दिए जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम तो ऐसे नींद सोए पड़े होंगे। अल्लाह का अजाब रात के आखिरी पहर में आता है, उस वक्त नींदें गहरी होती हैं। कभी ऐसा ना हो कि सोए थे अच्छे चेहरे लेकर, चेहरे बिगाड़ दिए गए हमारे। नौजवान लड़कियां घर में मोबाइल चला रही, नौजवान लड़कों से चैट कर रहे हैं, पहलो खोमिन उल्ला पर पिल्लो बेतीन जन्य आउल्ला पर बेचार दना खामोश रही, इन बातों का रस हर दुनिया इनको शरीफ समझ रही। अपनी नौजवान लड़कियों और लड़कों पर नजर रखें, ये खामोश तरीके से तुम्हारे घरों में जहर घोल दिया गया है और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं। मामूली न समझो, इन सब चीज़ों का हमें अल्लाह के वहाँ जवाब देना है, मरना है। मरना किसी को अच्छा लगता है? लेकिन मरना ज़रूरी है और यकीनन होगा और मरेंगे। ये जो ज़िंदगी है ये चंद लम्हात हैं, असल ज़िंदगी आखिरत की है, इसकी तैयारी की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए
उलमा की तरफ से जो मुहिम चल रही है, एक नई नस्ल और एक नए जनरेशन को अगर आप दीनदारी देना चाहते हो तो इस वक्त की आपकी मौजूदा बेदीनी, बेशर्मी, बेहयाई को छोड़ना होगा। जब तक माशरे से बेदीनी, बेशर्मी, बेहयाई ख़त्म नहीं होगी, नई नस्ल में दीनदारी कभी नहीं आ सकती। और फिर नहीं मानेंगे तो मौत तो मनवा कर रहेगी, और फिर मर जाने के बाद वहाँ उठाए जाएंगे तो लोग अल्लाह को कहेंगे, हाँ एक बहुत अजीत चांद साल ने फर्जी नानामल साल अनन्ना मोकिनून, इतना बड़ा अमामा बांधूंगा, इतना बड़ा डाढ़ा रखूंगा, हाथ में तस्बा लेके घूमूंगा, कहाँ जाएगा। हाँ लोग भी, औरतें भी कहेंगी, को दाड़ो बाजार बाजू नहीं, बिस्मिल्ला मस्जिद नाइल्ला बाजू नहीं, बस स्टैंड पर नहीं, गंगाराम नहीं, जमुना राम मो नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ घर में बैठे कोना पकड़ लेंगे, कहाँ जाएगा। वक्त दिया था वो गुजर गया, ये नेमत है इसकी कदर करें। नेमत की कदर उस वक्त होती है जब नेमत हाथ से जाइल हो जाती है। मरना है, हर रोज़ रात को सोने से कबल 5 मिनट तन्हाई में बैठकर सोच लिया करें, अंधेरे में बैठकर, कि एक दिन मुझ पर मौत वाकई होगी, मेरी पूरी ज़िंदगी का हिसाब होगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँगी। आखिरी एक बात कहकर बात को ख़त्म करते हैं, अच्छी मौत मरना चाहते हैं, आमाले सालिहा की तरफ मुतवज्जह हो जाएं, बुरी मौतों से बचना है, ये सारे रसूमात और खुराफात को ख़त्म कर दें, अपने आप से जो गुनाह हो गए हैं सच्ची पक्की तौबा कर लें। और जब हमारे घरों में शादियों का, हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल एहतिकाफ़ में बैठ जाओ, रोज़ा रख, जो नहीं, शादी के मौके हैं, खुशी के अय्याम हैं, खुशियाँ मनानी चाहिए, लेकिन उसके तरीके होते हैं, इसके हुदूद होते हैं, हमको न तरीका मालूम है और हुदूद से तजावुज़ कर गए हैं। खुशी के मौके पर इस्लाम ने खुशियाँ मनाने का भी हक दिया है, गम के मौके पर गम भी मनाया जाए, लेकिन इसके तरीके भी बतलाएं। हमने न तरीके को जाना है, न हमने माना है, बस मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के लिए इस बेदीनी से और इन जहालत को छोड़ें, बाज आएँ, तौबा करें, मरना है, कब्र में जाना है, और नकीरेन सवालात पूछेंगे, इनके जवाबात देना है। एक बात मैं आपको बताऊं, अजाबुल कब्र हक्कुन, नाफरमानों को अजाब ज़रूर होगा, कब्र में मोमिन को भी आजमाया जाएगा, मरने के बाद कब्र में मोमिन को भी आजमाया जाएगा। और इस पर एक वाक्या लिखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादी थी हज़रत ज़ैनब, हज़रत ज़ैनब का जब इंतकाल हुआ, वो थी मुशरिक के साथ एक निकाह में थी, शोहर बड़ा जुल्म तशद्दुद करता था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए थे, बेटी मक्का में थी, ज़ालिम जो था वो बहुत जुल्म करता था, हज़रत ज़ैनब हामिला थी। एक दिन मदीना से कोई काफ़िला आया हुआ था तो हज़रत ज़ैनब का जो देवर था उसने हज़रत ज़ैनब को मदीना के काफ़िले के हवाले कर दिया कि तू जा, अब्बू के घर चली जा, क्योंकि शौहर जाने नहीं देता था। देवर को तरस आया, उसने मदीना के हवाले, मदीना के काफ़िले के हवाले कर दिया, अब ले जाइए। जब उसका शौहर घर पर आया, ज़ैनब को न पाया, हकीकत हाल को मालूम किया और तेज़ रफ्तार घोड़ा लेकर उसने पीछा किया, मदीना के काफ़िले को कहा कि काफ़िले वालों, ज़ैनब मेरे हवाले कर दो वरना यहाँ से तीर छोड़ना शुरू करता हूँ। साहबा समझ रहे थे कि तो रसूलुल्लाह की अमानत है, उसे यूं ही जालिम के हवाले नहीं की जाती। चुनाचे उस जालिम ने अपने तीर से, कमान से एक मनहूस तीर छोड़ा जो हज़रत ज़ैनब की पसली में जाकर लगा। हज़रत ज़ैनब यूं तो पहले से हामिला थी और पसलियों में जाकर वो तीर लगा, खून आलूदा हो गई। साहबा ने इस अमानत को जल्दी से मदीना पहुंचाया,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर इसका बहुत सदमा हुआ, बहुत कोशिश की, इलाज किया, लेकिन यही ज़ख़म जानलेवा साबित हुआ और हज़रत ज़ैनब इसी ज़ख़म को बर्दाश्त न कर पाई और दुनिया से रुख्सत हो गई। बहरहाल इनको गुसल दिया गया, कफन पहनाया गया। जब कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा था, कब्रिस्तान ले गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस खड़े हैं, चुपचाप आँखों से आंसू बह रहे हैं। अचानक आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सहाबा ने पूछा, या नबी अल्लाह, अभी तो आप बहुत मगमूम थे, अभी तो आप बहुत गमगीन और मायूस थे, क्या बात पेश आई कि आपके चेहरे पर तबस्सुम और मुस्कुराहट जाहिर हुई? सरकार ने फरमाया कि मरने के बाद आदमी चाहे किस दर्जे का हो, चाहे कितने कामिल ईमान वाला हो, ज़मीन एक मरतबा तो उसको दबोचेगी, उसकी दाएं और बाएं पसली मिला देगी। इब्तिलाए कबर सबको होगा, चाहे वो किसी दर्जे का मोमिन होगा। मैं अपने रब को मनवा रहा था, ए अल्लाह, मेरी ज़ैनब तो यूं भी हामिला थी और बिचारी को पसली में गहरा ज़ख़म लगा था, दर्द को बर्दाश्त न कर सकती थी, इतना गहरा ज़ख़म था मेरी ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपने रब को मना रहा था, अल्लाह मेरी ज़ैनब को इब्तिलाए कबर से बचा ले। अल्लाह ने अपने फजल व करम से मेरी ज़ैनब पर रहम खाया और जिब्राइल में कान में आकर कह दिया, आप मगमूम न हों, ये तन्हा आपकी बेटी ज़ैनब होगी जिसको कब्र नहीं दबोचेगी। इस बात से मैं खुश हो गया, इससे मालूम हुआ कि कब्र एक मरतबा तो दबोचेगी। एक मरतबा दबोचने पर सरकार इतने मायूस थे। अगर ज़िंदगी के आमाल बुरे रहें, अहादीस में आता है कि एक सांप पैरों की तरफ से, एक सांप सर की तरफ से मुसल्लत कर दिया जाएगा, कयामत तक डसता रहेगा, मालूम नहीं अंजाम क्या होगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम इन गफलत की नींद को छोड़ें। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन वअन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुमने गुमान कर रखा है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा कर दिया है? नहीं, तुम पलट कर आओगे। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारी मौत होगी, फ़कद माता कामतिल क़ियामा, जिस दिन तुम्हारी मौत होगी उसी दिन से तुम पर क़यामत क़ायम हो जाएगी। इसलिए इसको मामूली न समझें, मरना यकीनी है। अल्लाह ताला हम सबको उन आमाल की तौफीक नसीब फरमाएं जिससे मौतें आसान होती हैं, जिससे अल्लाह राज़ी होता है। उन आमाल से हमारी हिफाजत फरमाएं जिससे मौतें बुरी वाक़े होती हैं और अल्लाह नाराज़ होते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी पसंदीदा मौत नसीब फरमाएं। जब तक ज़िंदा है ईमान पर साबित कदम फरमाएं। जब आखिरी वक्त आए कलमे के साथ दुनिया से रुख्सत फरमाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك
بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ یقیناً ہم نے رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں جان کر انجان کر چھوٹے بڑے خطا نامدن صحبن نسیانن بہت سارے گناہ کیے ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اللہ یقیناً اگر آپ توفیق نہ دیتے تو یہ ہاتھ آپ کے سامنے نہ اٹھتے، یہ ہاتھ اٹھے نہیں ہیں، یہ ہاتھ اٹھوائے گئے ہیں. یا اللہ ان ہاتھوں کا اٹھنا قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ یقیناً ہم نے آپ کے احکام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کلم کھلی نافرمانی کی ہیں، گویا ہم زبان حال سے تجھ کو چیلنج کر رہے ہیں کم تیری ایک نہ سنیں گے. اللہ تجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کچھ ہوگا نقصان ہمارا ہوگا، جو کچھ فائدہ ہوگا ہمارا ہوگا. اللہ تعالی ہمارے اندر ماننے کا جذبہ پیدا فرما. اللہ تیرے احکام پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اتباع سنت ہمیں عطا فرما، ہمارے معاشرے کو ہر قسم کے خرافات اور رسومات سے پاک فرما. اللہ ہماری شادیوں میں ہر قسم کے رسومات و خرافات کو ختم فرما، شادیوں کو سادہ انداز میں کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ یہ ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے ڈھنگ اور طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جوڑوں میں بے انتہا برکات عطا فرما. یہ ساری خرابیاں اس لیے ہو رہی ہیں، یہ سارے فسادات اور جھگڑے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے نکاح اس طرز پر نہیں کیے ہیں جو طریقہ تیرے نبی نے ہم کو بتلایا. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونہ، کہ بہترین اور اچھا نکاح وہ ہوتا ہے جو کم سے کم خرچے میں کیا جاتا ہے. اے اللہ ہم نے اتنا اسراف کیا ہے، اتنے پیسوں کو برباد کیا ہے، اور صرف پیسے نہیں عزتوں کو بھی برباد کر دیا، بے شرمی اور بے حیائی ہم نے کر دی، حرام کی کمائیوں سے اللہ ڈیگچیاں تو چڑھا دی لیکن عزتیں خاک میں مل گئی. اللہ ہمیں احساس عطا فرما، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ان سب چیزوں کا انجام ہمیں ہماری موت پر پتہ چل جائے گا. اے اللہ قبل اس سے کہ تیری ناراضگی والی موت نصیب ہوں، اللہ ہمیں تو معاف فرما دیں اور ان اعمال کی طرف ہم میں سے ہر ایک کو متوجہ فرما جس پر تیری اچھی موت تو نے اچھی موتیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے. اے اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے اب بیدار کر دیں. اللہ یقیناً ہم قیامت کے بالکل قریب ہیں اور دنیا ہر روز اپنی حالت بدلتی رہتی ہیں. اے اللہ پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم بہت قریب ہیں، ہمارے دلوں میں احساس پیدا فرما دیں. تیری اور تیرے نبی علیہ السلام کی اتباع نصیب فرما دیں، منمانی اور نفسانی زندگی سے نکال دیں، ہمارے معاشرے کو پاک فرما دیں. اے اللہ حاضرین مجلس میں بہت سارے ہماری نوجوان لڑکیاں اور بہت سارے نوجوان لڑکے بھی اس کو سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بے شرمی بے حیائی سے بچا لے، ہمارے معاشرے کو اللہ صالح معاشرہ بنا دیں، ہماری خواتین اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. اللہ نفسانی خواہشات سے نکال دیں اور ان کی زندگیوں کو سادگی پر لا دیں. اللہ ان کو سمجھا دیں کہ تم امت کا بہت بڑا سرمایہ ہو، جس دن سے تم بے دین ہوئی ہو معاشرے میں اچھے لوگ پیدا نہیں ہوتے، اور جب بھی تم نے دینداری اختیار کی ہیں معاشرہ نیک لوگوں سے بھرا ہوا رہتا تھا. اللہ ہماری ماں بہنوں کو شرم و حیا عطا فرما. اے اللہ بے شرمی بے حیائی سے اللہ ان کی حفاظت فرما، غیروں کے سامنے بے پردگی سے جانے سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ بلا ضرورت بازاروں میں نکلنے سے ان کی حفاظت فرما. ان کو سمجھا دیں کہ تم بہت قیمتی چیز ہیں اور قیمتی چیزوں کو کوئی کھلے عام نہیں چھوڑتا، ان کو حفاظتوں سے بند کیا جاتا ہے، آپ بہت قیمتی چیزیں ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، بے شرمی بے حیائی اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالی ہمیں آپ کی پسندیدہ موت نصیب فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریوں کی توفیق نصیب فرما، عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، نکیرین کے سوالوں سے اللہ آسانی سوالوں میں آسانیاں پیدا فرما. اللہ اس کے بعد اللہ میدان محشر قائم ہوگا، اللہ وہاں کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما. پل سے
صراط سے گزرنا آسان فرما. اللہ ہمارے اعمال کے پلڑے کو جو صالح ہوں اس کو جھکا دینا. اللہ کوتاہیوں اور گناہوں سے صرف نظر فرما کر ہم میں سے ہر ایک کو معاف کر دینا. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو معاف کر دینا, ہم میں سے ہر ایک کو معاف کر دینا. حضرت عائشہ نے تیرے نبی کو پوچھا تھا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے دھڑنگے ہوں گے, تو مردوں کا تو کچھ نہیں, ہم عورتوں کو کتنی شرم آئے گی. اس وقت تیرے محبوب نے فرمایا تھا, عائشہ کون کس کے پاس کھڑا ہوگا وہ بھی معلوم نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من نقی و امہ و ابی, وہاں اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے, ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگیں گے, دوست دوست سے بھاگے گا, بھائی بہن سے بھاگے گی, بہن بھائی بہن سے بھاگے گا, بہن بھائی سے بھاگے گی, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اور تو نے بھی اس دن کی خطرناک ہولناکیوں کو اپنے محبوب کو اس طرح سمجھایا تھا, یوم تر الناس تذہل کل مرضعت اما ارضعت وتدع کل ذات حمل حملها وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. محمد قیامت کا جھٹکا اتنا خطرناک ہوگا, دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی, حمل اٹھانے والی اپنی حمل کو گرا دے گی, اور تو سب کو دیکھے گا کہ لوگ نشے میں پڑے ہیں. وہ نشہ کسی شراب و گانجا چرس افیون دارو سے نہیں ہوگا, تیرے رب کے غصے کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. اللہ تیرے غصے سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ تیرے غصے سے اور قیامت کی سختیوں سے حفاظت فرما. ماں بہنیں قربانی دے کر, آج جمعہ کا دن ہے, بہت ساری مشغولیاں ان کو رہتی ہیں, اس کے باوجود تیرے نیک بندوں کی دعوت پر وہ اپنے تمام مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے یہاں جمع ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرما. ہم ماں بہنوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ علماء کی اس مہم میں انہوں نے بہت ساتھ دیا, اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے اندر ماننے کا جذبہ بھی پیدا کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مزید طاقت اور ہمت عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوب کام لیں, آپ کی گودوں کو صالح لوگوں سے بھر دیں. نوجوان جو ہماری بہنیں ہیں جو شادی شدہ ہیں, اے اللہ جن کے اندر ابھی بچے جننے کی صلاحیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عالم ربانی اور نیک صالح اولاد عطا فرمائیں, جو اس طرح دین کی خدمات انجام دیتی رہیں, مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنیں. اللہ تعالیٰ ایسی صالح اولاد سب کو عطا فرمائیں. جو کچھ ایسے مواقع پر تیرے نبی نے دعائیں مانگی, وہ تمام دعائیں ہم سب کے حصے میں مقدر فرما, اور نبی علیہ السلام نے جتنے شرور سے پناہیں چاہی ان تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. دعا کو اپنے فضل سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.